नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है SEO जो है वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीजों पे जो है हमें ध्यान देना होता है जब हम SEO करते हैं और किस हिसाब से वो जो क्रॉलिंग सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SEO का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि किस तरह से जो हमें SEO वो करना होता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इस टॉपिक पे करेंगे कि ऑन साइट जो SEO होता है या फिर ऑफ साइट SEO होता है वो किस तरह से काम करता है और किस हिसाब से उस पर प्लानिंग करी जाती है। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन साइट SEO के बारे में। ऑन साइट SEO मीन्स ऑन जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो हमारा खुद का कंटेंट है, हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो हम काम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसको कहते हैं ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन SEO। सो इसमें हमें करना क्या होता है कि इसमें हमें जो ध्यान देना होता है वो ध्यान देना पड़ता है हमें कीवर्ड्स की प्लानिंग पे। जी हाँ, यहाँ पे नॉट ओनली कीवर्ड्स, मैं और भी डिटेल बताता हूँ, लेकिन कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेबसाइट को गूगल के अंदर सर्चिंग लाने में। मतलब काफ़ी हद तक जो है कीवर्ड्स हैं वो हमारे वेबसाइट को टॉप पे लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च करी जा सकती है। तो अभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें तो वेबसाइट बनाने से ही पहले SEO का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हम जो एक्चुअल में हमारी वेबसाइट जो हम बनाने वाले हैं वो किस कैटेगरी में बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो वो हमें डिसाइड करना है कि क्या कैटेगरी होगी हमारी वेबसाइट की। अब हमारी जो वेबसाइट की जो कैटेगरी है उसके बेस पे जो है हम गूगल पे जाएंगे, गूगल में हम टाइप करेंगे कीवर्ड प्लानर, तो ये स्क्रीन आपको मिलेगी। ये सेक्शन पे जाके हमें क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और हमारे जो भी जीमेल का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे हमें लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद ये जो हमें यस डायरेक्टर पे इस डायरेक्शन इस टूल पे लेके जाना है हमें। इस टूल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो किस कैटेगरी की हमारी जो वेबसाइट है उस कैटेगरी से रिलेटेड, सपोज कर लीजिए टेक के बारे में है, तो आप टेक के बारे में हम क्या करने वाले हैं हमारी वेबसाइट पे, से फॉर एग्जांपल टेक न्यूज़ के बारे में हम वेबसाइट देने वाले हैं, तो हम टेक न्यूज़ से वेबसाइट बनाने तो हम कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे टेक न्यूज़, टेक रिव्यूज़ या टेक अपडेट्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इन पे ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्च जो टूल है कीवर्ड प्लानर टूल है, इस टूल के अंदर जाके हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना है और सर्च करके ये देखना है कि जो हम कीवर्ड्स पे काम करने वाले हैं उनके ऊपर कंपटीशन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे गूगल आपको दिखा देगा कि कंपटीशन, अगर आप कोई वर्ड है उसमें किस कीवर्ड पे जो है लो कंपटीशन है, तो हमें जो काम करना है वो हमारे लो कीवर्ड्स जिस पे लो कंपटीशन है उन कीवर्ड्स पे हमें जो है काम करना है। अब उन कीवर्ड्स को लेके हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या पॉसिबल है हमारे इस कीवर्ड से रिलेटेड हम हमारा डोमेन नेम परचेस कर सकें। तो अगर हमें हमारे कीवर्ड कोई अगर एग्जैक्टली वही नहीं बना पा रहे डोमेन, तो आगे पीछे कहीं लगा के हम डोमेन जो है हमारा उसके अंदर हमारा इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर ले। तो ये है पहली चीज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंडली, अगर ऐसा नहीं भी है तो हमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हमारे जो वेबसाइट है उसके टाइटल में, उसके मेटा टैग्स में और जो हम उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं या फिर हम उसमें जो लिंक्स बना रहे हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो है नहीं भी करते चार पांच जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन कीवर्ड से रिलेटेड हम कुछ लिंक्स बना सकें।
टेक न्यूज की अगर बात करें तो टेक न्यूज सेक्शन का एक लिंक बना दिया हमारे होम पेज पे, जो मेनू आ गया, मेनू के ऊपर हमने जो है टेक न्यूज दे दिया, टेक अपडेट्स दे दिया, टेक रिव्यूज दे दिया, तो उनमें क्या लिंक बन जाएगा जिससे कि दूसरे पेज हमारे लिंक होंगे। तो ये हो गया सेकंड कि हम उन कीवर्ड्स का हमारे पेज में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था कि कीवर्ड्स को किस हिसाब से हम जो है यूज करते हैं हमारे एसईओ के अंदर। अब बात करते हैं ऑन पेज जो ऑन साइट जो कि और ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एसईओ के अंदर, वो ये है हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये दो पेज का तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमें बनाने ही बनाने हैं, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं अगर सर्च में आ रही तो वो ट्रस्ट वर्दी बने। सो ये दो पेज बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और ऑन साइट जो एसईओ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड अगर कोई चीज यूज होती है तो वो है साइट मैप। जी हाँ, साइट मैप में हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है जिसका हमें नाम देना है साइट मैप। और साइट मैप जो है वो एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर हमारी जितनी भी वेबसाइट के लिंक्स हैं वो सारे के सारे उस एक कॉमन पेज के ऊपर ही जो है लिस्टेड होते हैं। उन सभी पेजेस का लिंक इस साइट मैप वाले पेज पे अवेलेबल होता है। तो जब भी गूगल जो सर्च करता है वो जनरली अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, हमारे कीवर्ड्स को और साथ में हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हमारे साइट मैप का जो एक पेज होता है उसको जरूर वो आइडेंटिफाई करता है। अगर वहाँ हमें उसे वेबसाइट के ऊपर जो है लिंक मिल जाता है साइट मैप का, तो वहाँ से गूगल को जो है हमारी या किसी भी सर्च इंजन को हमारे बाकी पेजों को सर्च करने में, उनको ट्रैक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जल्दी से वो जो है उनको उन पेजेस पे भी अपना ध्यान पहुंचा देते हैं, उनको क्रॉल करके उनको अपने डेटाबेस में ले जाते हैं। सो ये था दोस्तों कि ऑन साइट किस तरह से जो है एसईओ पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हम इन चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं अगले वीडियोस में प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं दूसरा जो तरीका होता है एसईओ का, ऑफ पेज जो होता है एसईओ उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, यानी कि ऑफ साइट जो एसईओ होता है। ऑफ साइट एसईओ जनरली बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं होता है, लेकिन हमारी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, हमारी वेबसाइट को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, हमारी वेबसाइट को विजिबल करने के लिए जो कीवर्ड्स के सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा करते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स हमारे जो है वो हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे सोशल मीडिया है वहाँ पर हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनके जो लिंक बनते हैं उनके यूआरएल जो हैं, हम जितने भी अपडेट करें हमारे वेबसाइट के आर्टिकल्स बनाएं या जो भी उसमें पोस्टिंग्स करें उसके जो यूआरएल्स हैं, मेक श्योर करना है कि हम जो हमारे यूआरएल्स हैं उनको हमारे सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली जो है उनको हम जाके पोस्टिंग्स करें। साथ ही साथ दूसरे और सब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें जाके हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारी जो यूआरएल्स हैं उनको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ सर्च इंजन्स जो हैं वहाँ पर हमें जाके ये जो हमारे लिंक्स बन रहे हैं उनको सबमिट करना पड़ता है। सो दोस्तों ये पूरा जो हम लिंक्स सबमिट करते हैं वो लिंक्स क्या हैं, बैकलिंक्स होते हैं जो कि हम दूसरी वेबसाइट्स के हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक को है वो जनरेट करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी वेबसाइट को टॉप रैंक में, यानी कि किसी भी सर्च इंजन के पहले पेज पे रैंकिंग करवाने में, क्योंकि ये लिंक्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट बनाते हैं, ताकि जितना ट्रैफिक ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके आएगा उतना ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट को जो है सर्च इंजन्स ट्रस्टेड मानते हैं।
ये था ऑफ साइट एसईओ, यानी ऑफ साइट एसईओ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और जितना कि हमारा ऑन साइट जो एसईओ है। ऑफ साइट, ऑन साइट तो हम एक बार करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार हमें जितने भी आर्टिकल्स हैं हम लोग अपडेट करते हैं या और भी जितने पोस्टिंग्स हम अपडेट करते हैं, उन सब चीज़ों में भी हम जो कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं पर्टिकुलर वो कीवर्ड्स पे ध्यान देके उनको अपडेट करना रहता है रेगुलर बेसिस पे। सेम उसी तरह जो है हमें हमारे बैकलिंक्स हैं उन बैकलिंक्स पे भी रेगुलरली हमारे सोशल मीडिया पे जाके अपडेट करने रहते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी से जल्दी टॉप रैंक में हमारे सर्च इंजिन्स में टॉप पे आ सके। सो बैकलिंक्स और कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारी अगर नई वेबसाइट है तो उसमें करीब नहीं करते भी अगर हम 3 से 4 महीने कंटिन्यू हमारे इन सब प्रमोशंस को करते हैं तब जाके हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंक में आ पाती है। सो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो के पूरे अपडेट्स की किस तरह से जो है हम ऑन साइट एसईओ करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और किस तरह से जो है हमारे बैकलिंक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हम पोस्टिंग्स करते हैं और किस तरह से वो हमारी वेबसाइट को जो है ऑफ साइट जो एसईओ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, इन दोनों के बारे में भी, चाहे ऑन साइट एसईओ है या ऑफ साइट एसईओ है, इन दोनों के प्रैक्टिकल करके हम अगले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। उन पे डेफिनेटली अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, एक ऑन साइट किस तरह से हम जो काम करते हैं प्रैक्टिकली और एक ऑफ साइट जो बैक लिंक्स हैं वो किस तरह से हम जनरेट करते हैं और सबमिट करते हैं उसके ऊपर भी एक पूरा प्रैक्टिकल वीडियो करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।